वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ क्लास 4 जीके। ओके, नेम ऑफ चैप्टर इज द डायनासोर्स। ओके, द डायनासोर्स मतलब डायनासोर्स सारे जानते होंगे, ठीक है। ये काफ़ी पहले पाए जाते थे, अभी इसकी कोई भी प्रजातियाँ अभी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो स्टार्टिंग है, डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ मेनी मेनी ईयर्स एगो, ठीक है। डायनासोर्स जो थे वो अर्थ पे रहते थे बहुत सालों पहले, ठीक है। मेनी मेनी मतलब बहुत सालों पहले, लाखों, लॉन्ग बिफोर देयर वेयर एनी पीपुल। यहाँ पे जब कोई भी पीपुल्स, कोई भी लोग नहीं पाए जाते थे, ठीक है, लोग नहीं पाए जाते उससे भी बहुत पहले, ठीक है। देयर वेयर फोर लेग्ड रेप्टाइल्स विच लिव्ड ऑन लैंड, ठीक है। ये सब जो थे, ठीक है, डायनासोर जो थे वो फोर लेग मतलब चार पैरों वाला रेप्टाइल्स थे, ठीक है। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, ठीक है। जैसे आपने कॉकरोच देखा, आपने लिजार्ड देखा, ठीक है, तो वो सारे रेंगते हैं ना, तो ऐसे ही फोर लेग वाले ये रेंगने वाले रेप्टाइल्स थे जो लैंड पे रहते थे। सम ऑफ देम, इसमें से कुछ है, लाइक द डाइप्लोकस, डाइप्लोडस, ओके, डाइप्लोडस एंड द एस्टेगोरस, ओके, डाइप्लोडस एंड द एस्टेगोरस एट ओनली प्लांट्स। इसमें से मतलब डायनासोर्स एक ही नहीं है, ठीक है, डायनासोर्स अलग अलग प्रजातियाँ है। डायनासोर्स एक मेन नेम हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज में दी गई है, उसे डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। जो डायनासोर्स के अंदर जो प्रजातियाँ थी, ठीक है, डिप्लोडोकस, ओके, एंड द एस्टोगोरस, ठीक है, शोरस, सॉरी, एस्टोगोशोरस, ये सब क्या करते थे, प्लांट ईट करते थे, ठीक है, ये वेजिटेरियन थे। एंड सोम सच एज द ट्राइनासोरस, ओके, जो ट्राइनासोरस थे एट फ्लेश, ठीक है, जो ट्राइनासोरस थे वो फ्लेश मतलब मांस खाते थे, ठीक है। इसमें भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, ओके। नाउ देयर आर नो डायनासोरस नाउ, ठीक है, अभी कोई भी डायनासोरस नहीं पाए जाते हैं। हाउ डू वी नो दे वेयर रियली हेयर, हम लोग कैसे जानते हैं कि ये लोग अर्थ पे ही रहते थे, ठीक है। वी हैव फाउंड फॉसिल्स ऑफ देयर बोन्स एंड इवन एग्स, ठीक है, हम लोग इसके जो हम लोग को है इसके फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, ठीक है, वो मिले हैं बोन्स और एग्स के, ठीक है। डायनासोरस के बोन्स मतलब हड्डियाँ और एग्स के फॉसिल्स मिले हैं मतलब जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ब्यूरिड इन रॉक वेरी लॉन्ग एगो, ठीक है। फॉसिल्स जो होते हैं प्लांट और एनिमल के रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के अंदर, ठीक है, रॉक के अंदर या अर्थ के अंदर सीधा ऐसे बोल सकते हैं, वो दफन हो जाते हैं बहुत साल पहले, दफन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आज अगर कुछ ले लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ा सा जानवर ले लेते हैं, जैसे एलिफेंट हुआ, तो अगर एलिफेंट वो दबते जाएंगे तो काफ़ी सारे ऊपर से रॉक्स, मिट्टी, वो सारे अंदर चले आए, लेकिन उससे वही अगर सेंचुरी बाद कोई वहाँ पे माइनिंग करने के लिए जाएगा, ठीक है, खोदने के लिए, तो वहाँ पे उसे मिलेगी, ठीक है, और वो कुछ बोन्स से, ठीक है, पता लगा सकता है कि ये कितने साल पीछे का। सेम डायनासोर, व्हाट किल्ड ऑल द डायनासोर्स, डायनासोर्स तो अभी एक भी नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब डायनासोर्स को किसने मारा, ठीक है, किस चीज़ ने मारा, किसने मारा, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट सेड दैट द डायनासोरस डाइड आफ्टर हग रॉक्स फ्रॉम स्पेस क्रैश्ड इनटू द अर्थ, बहुत सारे वैज्ञानिकों का, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जो स्पेस से, ठीक है, स्पेस से बहुत सारे रॉक्स, ठीक
ठीक है, पत्थर क्रैश करने के कारण, अर्थ पे गिरने के कारण डायनासोर्स की मौत हो गई। ठीक है, वो आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायर के साथ आते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो आपको ट्रू और फॉल्स करनी है। फर्स्ट, द डायनासोर्स वेयर रेप्टाइल्स, ठीक है, डायनासोर्स तो रेप्टाइल्स से रहने वाले थे, ठीक है, बट दे वेयर नॉट लिजार्ड्स, लेकिन वो लिजार्ड्स नहीं थे, चिपली नहीं थे। यस, दिस इज ट्रू। नाउ द नेम डायनासोर्स मीन्स ट्रिबल लिजार्ड, डायनासोर्स का मतलब क्या है? ट्रिबल मतलब भयानक, लिजार्ड भयानक छिपकली। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑल डायनासोरस लिव्ड ऑन अर्थ, सभी जो डायनासोर्स थे वो अर्थ पे लिव करते थे। नॉन ऑफ देम लिव्ड इन वाटर, इसमें से कोई भी वाटर में नहीं रहते थे। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सोम डायनासोरस हैड विंग्स एंड कुड फ्लाई, कुछ डायनासोरस के पास विंग्स थे, ठीक है, पंख थे और वे फ्लाई करते थे। नो, दिस इज फॉल्स। नाउ ऑल डायनासोरस एट फ्लैश, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आपको ऊपर बताया गया है ना, कुछ प्लांट्स भी खाते थे, ठीक है, फ्लैश में। द डिप्लोडोकस वॉज वेरी बिग बट इट एट ओनली प्लांट्स, डिप्लोडोकस आपने पढ़ा, यस, ये प्लांट्स ही ईट करते थे। देन ट्रू। द ट्राइनोसोरस रेक्स एंड द स्पाइनोसोरस वेयर लार्ज मीट ईटर्स, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द ओनली क्रिएचर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू डायनासोरस आर स्टिल लिविंग आर बर्ड्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिएचर जो आज डायनासोर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, डायनासोर से मिलते जुलते हैं, वो क्या है? लिविंग बर्ड्स ही है। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक म्यूजियम में लगाया गया है, ठीक है, और डायनासोर स्केलेटन इन म्यूजियम, मतलब एक डायनासोर की हड्डियाँ जो हैं स्केलेटन्स, वो एक म्यूजियम में लगाई गई है, ठीक है। नाउ सेकेंड पेज, क्वेश्चन नंबर टू, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स में जो भी एनिमल्स दिखते हैं उनके नेम बताने हैं। द इंफॉर्मेशन बिलो विल हेल्प यू, जो इन्फॉर्मेशन इसके नीचे दी गई है ये वो आपको हेल्प करेगी नेम लिखने में। चलिए फर्स्ट रीड करते हैं क्या है। एस्टेगोरस, ठीक है, एस्टेगोरस, बॉनी प्लेट्स ऑन द बैक एंड स्पाइंस ऑन द टेल, एट प्लांट्स, ठीक है, बॉनी मतलब हड्डीदार प्लेट्स है इसके बैक पे और स्पाइंस कांटा है टेल पे, तो आप देखेंगे कहाँ पे है, ये है आपकी, ये देखिए कांटेदार है टेल पे और बॉनी, तो ये आपकी है सी नंबर, ठीक है, अब लिख लेंगे, ठीक है, टाइम थोड़ी कम है, सी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये सेकेंड इज स्पाइनोसोरस, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बिवोरस इवर, यह कार्बिवोरस है, सारे जानते होंगे कार्बिवोरस क्या है, ठीक है। स्पाइंस ऑन द बैक, इसके बैक पे है स्पाइंस है मतलब कांटेदार है। फेस लाइक अ क्रोकोडाइल, और फेस क्या है? क्रोकोडाइल की तरह है, डेट इज ये है आपकी सेकेंड एफ, ये है, ठीक है, क्रोकोडाइल की तरह फेस है ये, ठीक है, ये। नाउ एन काइलोसोरस, ठीक है, यहाँ पे पूरी पिक्चर नहीं आ पा रही है। एन काइलोसोरस एट प्लांट हैड अ क्लब ऑन इट्स टेल, ठीक है, ये प्लांट्स एट करते थे मतलब पौधे खाते थे और इसके टेल पे क्लब है, ये देखिए ये है, ठीक है, एल्काइनोसोरस। ओके, ट्री सेराटॉप्स, ठीक है, ट्री सेराटॉप्स हैड अ बोनी निक फायर, ठीक है, बोनी सॉरी निक फ्रिल, निक फ्रिल, ठीक है, बोनी मतलब कांटेदार निक फ्रिल है और सॉरी हड्डीदार। थ्री हॉर्न्स और तीन इसके सिंग है, लुक्ड क्वाइट लाइक अ राइनासोरस एट प्लांट्स, और ये राइनासोरस किस तरह अभी जो पाए जाते हैं उसके तरह और प्लांट एट करते हैं, ये आप ये देख सकते हैं सबसे नीचे एच नंबर, ये है ये, ठीक है। एंड
ट्रिसेराटॉप्स, ये हो गए वेलोसिरैटॉप, ठीक है, वेलोसिरैटॉप, ये देखिए आप, ओके, वेलोसिरैटॉप, कार्बिवोरस, कार्बिवोर है ये, ठीक है, हैड अ स्पेशियल लार्ज क्लेव ऑन इच हिडन पाँव, ठीक है, इसके जो बैक बैक साइड के दोनों जो हिडन पाँव हैं, ठीक है, वो उस पर क्या है, क्लेव है, मतलब बहुत बड़ा पंजा, ये है आपकी डी नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखी गई है, ओके, पेट्रोशोर, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स है, मतलब ये भी है, आप समझ सकते हैं, ओनली यही फ्लाइंग है, ठीक है, आप रीड कर लेंगे आगे, डाइप्लोडोकस, ठीक है, लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटर, ये है आपकी लॉन्ग नेक प्लांट ईटर, ठीक है, डाइप्लोडोकस, टी रेक्स, ट्राइनासोरस रेक्स, ठीक है, टी रेक्स की फोर फॉर्म, ट्राइनासोरस रेक्स, दिस फियरसोम फ्लैश ईटर्स नेम मीन्स ट्राइनेट लिजार्ड किंग, ट्राइनेट मतलब भयानक लिजार्ड किंग है, ये है आपकी फर्स्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू, एंजॉय द वीडियो, एंड ये आपके आंसर है, कर लेंगे, ठीक है, बाय।